किसी भी राज्य के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता और आह्लादित करने वाला क्षण नहीं हो सकता है जब उस प्रदेश में देश का प्रधानमंत्री और फिर उसमें आदरणीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जो अपने विकास और सकारात्मक सोच के लिए न केवल देश को अपितु दुनिया को एक नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं, देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, जैसे ही प्रधानमंत्री जी का काशी में विमान उतरा तो ऐसे लगा जैसे वर्षों के बाद कोई पुत्र अपने घर में आकर के जैसे माँ उसके लिए अपनी पूरी खुशियां लुटाती है, ऐसे काशी में आकर के जब मैं 5 दिन पूर्व आया था हम लोगों को एक बात की चिंता हो रही थी कि काशी और पूरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण उत्तरी क्षेत्र बाढ़ से त्रस्त हुआ लेकिन शेष उत्तर प्रदेश में कहीं सूखे की चपेट में ना आ जाए। प्रधानमंत्री जी के आगमन पर किसान भाइयों के लिए और उनकी खेती के लिए सोना जैसे वर्षा के साथ साथ 1000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहां पर जनता को समर्पित किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गांवों के विकास के लिए जो भी योजनाएं प्रारंभ की हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में उन योजनाओं को न केवल हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं अपितु निरंतर पिछले 3 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया आदि तमाम योजनाओं के माध्यम से जो लोक कल्याणकारी कार्यों की एक लंबी श्रृंखला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने प्रस्तुत किया है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह एक मार्गदर्शन के रूप में है और हम सब उससे निरंतर प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती वर्ष में हस्तशिल्प के इस संकुल का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, साथ ही वर्षों से 11 वर्षों से लंबित उन परियोजनाओं को भी, जिन परियोजनाओं के बारे में वाराणसी और आसपास के लोग निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, जिनको लगता था कि योजनाएं कभी पूरी नहीं होंगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में वे योजनाएं आज पूरी होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से वे भी आज काशी वासियों के लिए और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए समर्पित हो रही हैं। मैं इस अवसर पर काशी वासियों को और संपूर्ण क्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सज्जनों, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प के क्षेत्र में हथकरघा, बुनकर इस क्षेत्र की एक पहचान थी। पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण यह गति नहीं पकड़ पाया था, लोग बदहाल जीवन जी रहे थे। हमें आश्चर्य होता है जब हम लोगों ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा यहां पर जो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर को यहां पर स्थापित किया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने जो एक कार्य योजना बनाई है इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों बुनकर, हथकरघा में कार्य करने वाले, पावर लूम में कार्य करने वाले, हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य करने वाले
वे परिवार एक बार पुनः स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगे, सम्मान के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ है, काशी की धरती पर हुआ है, बाबा विश्वनाथ की धरती पर हुआ है। मैं बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर, उत्तर प्रदेश की इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रदेश सरकार की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनका मार्गदर्शन जिस रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार उनके मार्गदर्शन में गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।